शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 750 श्रमिकों को मिल रहा है रोजगार। नगर पालिका अध्यक्ष ने लिया जायजा। सागवाड़ा, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 1 और लोहारिया तालाब सहित सागवाड़ा शहर में लगभग 750 लोगों को शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत नगर पालिका द्वारा रोजगार दिया जा रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने आज शहरी रोजगार गारंटी योजना का जायजा लिया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने श्रमिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही इसी योजना का भरपूर लाभ उठाएं और मन से कार्य करें ताकि उन्हें सरकार द्वारा उचित मेहनताना समय पर मुहैया करवाया जा सके। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने श्रमिकों के हालचाल पूछते हुए उन्हें किसी भी तरह की समस्या न हो इसके लिए संबंधित मेटों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पार्षद गटा भागरिया, अशोक रोत, जगदीश पाटीदार आदि मौजूद थे। मैं अशोक कुमार कटारा डूंगरपुर जिला सागवाड़ा तहसील से बोल रहा हूँ। यहाँ सागवाड़ा में लोहरिया शराब के पास में जो रोजगार गारंटी का काम चल रहा है उसके अंतर्गत बहुत अच्छा काम हो रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और लोगों की जो भी समस्याएं हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छा सुनते हैं और ये जो स्कीम है वो हमारे नगर पालिका की तरफ से चेयरमैन साहब जयपुर से ये स्कीम लाए हैं और बहुत अच्छी है, इसका लाभ भी मिल रहा है और लोगों को जो अब तक घर पे थे रोजगार पे लग गए हैं और इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है और लोगों की। आपके पास में कितने लेबर काम कर रहे हैं अभी? आज के दिन में 177 12 मेटो के पास लेबर आई। अशोक गेला जी की जय जयकार। सागवाड़ा में अच्छे काम चाली रही है, हमारी रोजगार अच्छी चाली रही है पर हमारा 250 रुपया तनखा दी है। मुझे यही कहूँगा अभी कितनी मिल रही है? अभी हमारा नती आई, हमारा 12 फार्म भर रहा हूँ। भारत माता की जय। अशोक गहलोत जय बाबा। अशोक गहलोत की जय। सागवाड़ा लाइव न्यूज के माध्यम से मैं आज नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न वार्डो में रोजगार गारंटी, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं और वर्तमान में कुल 750 लेबर लगभग काम कर रही है शहर के अंदर। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं, शांतिलाल जी धारीवाल हमारे शासन मंत्री उनका आभार मानता हूं कि जब चुनाव का समय था और सागवाड़ा में शांतिलाल जी धारीवाल की जब यहाँ पर चुनावी सभा थी उस वक्त सबसे पहले पूरे राजस्थान के अंदर हमारे सागवाड़ा के जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे, उन्होंने उनसे मांग की थी कि सर आप शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना चालू करें। तो माननीय शांतिलाल जी धारीवाल ने वो बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाई। इसके बाद सागवाड़ा का बोर्ड जब चयन होकर के आया और 22 पार्षद हम जीत करके आए कांग्रेस के, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार मानने के लिए गए थे कि आपने हमें टिकट दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उस वक्त भी हमने सीएम हाउस में ये मांग फिर से दोहराई थी। श्रमिक वर्ग के लोग यहाँ शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं जिनको रोजगार की बहुत जरूरत है, तो माननीय अशोक जी गहलोत ने बहुत ही शांतिपूर्वक हमारे 2200 पार्षद और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे भाई दिनेश जी खोडनिया, हमारे महामंत्री भरत जी भट्ट और ये सभी नेता ललित जी पंचाल वगैरह सभी हमारे साथ थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को जब इस बात से अवगत कराया उन्होंने अपनी बात को माना और मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग पर सागवाड़ा पूरे राजस्थान के अंदर, सागवाड़े के पार्षदों की मांग पर पूरे राजस्थान के अंदर आज इंदिरा गांधी रोजगार योजना गारंटी चालू की है। हम आज इसका निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये जो महिलाएं हैं इसके अंदर लगी हुई हैं, जो रोजगार के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि हमने सड़कों के जहाँ जहाँ वार्डों में कुछ झाड़ियाँ कटवाने का काम, साफ सफाई का काम इनसे करवाया जा रहा है और जहाँ खुदाई का काम भी, तालाब की डिसिल्टरिंग का काम भी अच्छा किया है इन्होंने और बहुत ईमानदारी से, सच्चे मन से सागवाड़ा नगर के जितने भी लेबर है, जितने भी श्रमिक है, दूर दूर से आ रहे हैं। मुझे ये जैसे डायलाल जी भाई ने बताया, गटा भाई ने बताया, अशोक जी ने बताया, हमारे पार्षद ने सभी ने बताया कि ये लोग 35 नंबर वार्ड के लोग लास्ट में 3 नंबर वार्ड में काम करने के लिए जा रहे हैं, 4 नंबर में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं इन लेबरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।
कि तुमको रोजगार दिया गया अशोक जी गहलोत के द्वारा और आप बहुत ईमानदारी से सही से काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से काम करते रहे। पहले कार्य के आधार पर शुरुआत में हमने हो सकता है आपको पगार कम दिया हो, मगर अब आपका पगार 200 रुपये से ऊपर का लगभग बन रहा है। और अभी जैसे एक बहन ने हमको बताया कि हमको पूरा पैसा दिया जाए, निश्चित तौर पर आप काम करिए, क्योंकि ये काम मेजरमेंट पे होता है। जितना आप काम करते हैं, जितना आप समय देते हैं, जितना उसका मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट के हिसाब से तुमको काम का पैसा मिलता है। और कोशिश यही रहेगी कि हम पूरा 259 रुपया जो आपको सरकार के द्वारा एक दिन का तय किया गया इस कार्य के लिए, तो काम आप अच्छे से करें, पूरा कार्य करें, ईमानदारी से करें और अशोक गहलोत की जय 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 जयकार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।